नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मध्य खेले जाने वाले सेकंड T20 IPL मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच खेला जा रहा था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई के अंतर्गत। तो दोनों ही टीमों के मध्य टॉस उछाला गया और इस बार जो है टॉस जीतकर पहले यहाँ पर जो है किंग्स इलेवन पंजाब ने गेंदबाजी का फैसला लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज लोग यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों पृथ्वी शो और शिखर धवन आए। उसके बाद पृथ्वी शो ने 5 रन बनाए, शिखर धवन 0 रन पर रनआउट हो गए। उसके बाद सिमरन हेटमैन ने 7 रन, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई दिल्ली टीम को संभाला और एक शानदार 50 रन की साझेदारी की, जिसकी बदौलत श्रेयस अय्यर ने 39 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 31 रन बनाए। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 21 गेंदों में 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। उसके बाद अक्षर पटेल ने 6 रन, रविचंद्रन अश्विन ने 4 रन और कगिसो रबाडा 0 पे नोट आउट रहे और उसके बाद नोटजे ने 3 रन बनाए। इस तरीके से काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पे दिल्ली कैपिटल टीम ने 20 ओवरों में 157 रन 8 विकेट गंवाकर एक टारगेट खड़ा किया। दोस्तों, जैसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल टीम जो है 100 रन भी पार नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप और मार्कस स्टोइनिस की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद एक शानदार स्कोर तक पहुँच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे सबसे सफल गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी, 4 ओवरों में 15 रन देकर 3 सफलताएं हासिल की। इसके विपरीत में किंग्स इलेवन पंजाब को ये मैच जीतने के लिए 158 रन का टारगेट चाहिए था। तो यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब के ओपनर बल्लेबाज कप्तान और विकेट कीपर लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल रहे। लोकेश राहुल ने 21 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने एक मैच विनिंग पारी खेली। दोस्तों, मयंक अग्रवाल के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर बनता है, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने हारे हुए मैच को पूरी तरीके से किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, करुण नायर ने 1 रन, निकोलस पूरन ने 0 रन, मैक्सवेल ने 1 रन, सरफराज खान ने 12 रन, कृष्णप्पा गौतम ने 20 रन, क्रिस जॉर्डन ने 5 रन और मोहम्मद शमी 0 पर नॉट आउट रहे। इस तरीके से यहां पे हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब भी 20 ओवरों में 157 रन बना के 8 विकेट पे, यानी कि सेम दोनों का सेम विकेट सेम रन और सेम ओवर, और मैच जो था पहला आईपीएल का दूसरा ही मैच जो था टाई हो गया, जिसकी वजह से अब सुपर ओवर के आधार पर डिसीजन लेना था कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। गेंदबाजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन ने 1 ओवर में 2 रन देके 2 सफलता हासिल की, लेकिन पता नहीं उनको दूसरा ओवर क्यों नहीं करवाया गया। तो दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें सुपर ओवर की पूरी कहानी, दोनों ही टीमों ने 20 ओवरों में 157 रन बनाए 8 विकेट गंवाकर, दोनों टीमों का सेम स्कोर था। उस टीम में हम बात करें तो वहां पर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और दोस्तों मार्कस स्टोइनिस ने गेंद बल्लेबाजी की, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब में सिर्फ एक ही बल्लेबाज जिन्होंने 60 गेंदों में 89 रन की 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से एक शानदार पारी खेली। सुपर ओवर की पूरा लेखा जो का हम आपको बता दें, का नतीजा जो था वो सुपर ओवर में जाके निकला। अगर सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट आप देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से ज़्यादा करें।